या गर्लफ्रेंड की गलतियां या धारणाएं सेक्स समस्या को कैसे बढ़ाती है, उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूं, महाराष्ट्र में मुंबई बड़े अपना यहां प्रैक्टिस करता हूं। पत्नी रहो या गर्लफ्रेंड रहो, उनकी सेक्स के बारे में कुछ धारणाएं, कुछ बिलीव्स, कुछ ऐसे दिमाग में पक्के विचार रहते हैं। आजकल तो लड़कियां एकदम मॉडर्न रहती है, उन्होंने भी ब्लूप्रिंट देखी हुई रहती है, कौन देखे रहते हैं, उन्होंने काफी सारा पढ़ा रहता है, वो अपने दोस्त को अपने फ्रेंड्स को पूछती रहती है, उनको प्री मैरिटल सेक्स का अनुभव ही होता है। तो ऐसे इसमें उनको एक ऐसी धारणा है कि सेक्स ऐसा 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 होना चाहिए। उनकी धारणा ऐसे हो सकती है कि सेक्स आधा घंटा चलना चाहिए, एक घंटा चलना चाहिए, जैसा कि पॉर्न में चलता है। उनकी धारणा ऐसी होंगी कि नहीं, लिंग का साइज जो है लंबाई वो इतनी इतनी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पॉर्न में देखा हुआ है। उनकी धारणा ऐसी है कि नहीं, हफ्ते में कम से कम 5 बार सेक्स होना चाहिए, या किसकी धारणा ऐसी होती है कि रोज 1 बार होना चाहिए, या किसी की धारणा होती है कि रोज रात को 4 बार होना चाहिए, और ये उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा रहता है या कहीं पढ़ा रहता है। तो ऐसी जब धारणा रहती है तो फिर वो क्या करती है, ये लड़कियां या ये पत्नी या ये गर्लफ्रेंड या रिलेशनशिप में रहने वाली लड़की अपने हस्बैंड से या अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड करती रहती है, ये करो वो करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। जैसा ही डिमांड डाल दिया मेल पार्टनर के ऊपर, वो टेंशन में आ जाता है और वो उसकी डिमांड पूरी नहीं कर सका, और उसने और कुछ कमेंट कर दिया लड़की ने कि तुम्हारे में तो ताकत ही नहीं है, तुम्हारे में पावर कम है, तुम्हारे मर्दानगी बराबर नहीं है, तुमने तो जल्दी ठंडा हो गया, मुझे तो मजा ही नहीं आया, मुझे तो खुशी नहीं है, ऐसी किरकिरी चालू कर दिया, तो पति का सेल्फ एस्टीम बहुत डाउन हो जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर और टेंशन में आता है कि अभी मैं कर सकूंगा कि नहीं, अभी मैं मर्दानगी प्रूव कर सकूंगा कि नहीं, अभी मेरे भाई को संतुष्ट कर सकूंगा कि नहीं, और जब ऐसे विचार चालू है तो डेफिनेटली सेकंड टाइम पे वो कर नहीं पाता। तो लड़कियों ने ये देखना चाहिए, पत्नी ने, गर्लफ्रेंड में जो भी है, उन्होंने ये देखना चाहिए कि भाई सेक्स ये बहुत रिलैक्सेशन में होने वाला कार्यक्रम है, उसको समागम बोलते हैं, समागम दोनों का है, दोनों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए, एकदम शांत वातावरण, रिलैक्स वातावरण, डिमांडिंग नहीं होना चाहिए, और डिमांड जहां आ गई वहां सेक्स खत्म हो गया, टेंशन आ गया वहां सेक्स खत्म हो गया। तो डिमांड, टेंशन, स्ट्रेस ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो सेक्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये सभी लड़कियों ने ख्याल रखना चाहिए कि डिमांड नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करना है, और ऐसा कुछ जहां तो डेफिनेटली कंसल्ट कीजिए साइकेट्रिस्ट को। हम ऑनलाइन सेक्स काउंसिलिंग करते हैं, ऑनलाइन हमारे सेक्स वर्कशॉप चलते हैं, ऑनलाइन हिप्नोटिज्म के वर्कशॉप चलते हैं, उसमें हम ज्वाइन हो सकते हैं, मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन होता है, तो अपने दिमाग में ना रखते हुए हमारे संपर्क करना है, बातचीत करना है, और अपने जो भी सवाल होंगे उसके जवाब देना है। हमारा ऐप भी हम आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा मकसद है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, उसमें हमारे पार्टनर बनिएगा। हमारे यहाँ बिना रिश्तेदार मेंटल पेशेंट को रखने की व्यवस्था है, पेशेंट को हम अकेले रखते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको बाद में फिर घर में भेज सकते, वो भी हमारा हॉस्पिटल है, उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।